शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। भारत ने तय समय से 5 महीने पहले ही पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस टारगेट को हासिल करने की समय सीमा नवंबर 2022 रखी गई थी, लेकिन इसे जून में ही अचीव कर लिया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा आम जनता को होने वाला है। इसके चलते लोगों पर 2 रुपए प्रति लीटर के पॉल्यूशन टैक्स का बोझ नहीं पड़ेगा। इस बार के बजट में यह घोषणा की गई थी कि 1 अक्टूबर से बिना ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल पर 2 रुपए का पॉल्यूशन टैक्स या ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। सरकार ने बजट में ऐसी घोषणा इसलिए की थी ताकि ब्लेंडिंग पर जोर दिया जा सके और समय से टारगेट को हासिल किया जा सके। अब जब टारगेट समय से पहले ही हासिल कर लिया जा चुका है तो साफ है कि अक्टूबर से होने वाली यह बढ़ोतरी टल गई है और ग्राहकों के लिए पेट्रोल महंगा नहीं होगा। कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए 2025-2026 तक इस आंकड़े को 2 गुना करने यानी 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य है। भारत सरकार ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने, ईंधन के लिए आयात पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा बचाने, पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने और घरेलू कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है। ब्लेंडिंग से 41,500 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। साथ ही ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 27 लाख टन की कमी आई और किसानों को 40,600 करोड़ रुपए से अधिक का तत्काल भुगतान भी हुआ है। भारत दुनिया में अमेरिका, ब्राजील, यूरोपीय संघ और चीन के बाद एथेनॉल का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया भर में एथेनॉल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर उपभोग के लिए किया जाता है, लेकिन ब्राजील और भारत जैसे देश इसे पेट्रोल में मिलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।